तो अगर आप लोगों को नहीं पता, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई टीजर या ट्रेलर आता है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम और मेरा कमेंट सेक्शन ऐसे भरने लग जाता है कि इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो। तो मेरे ऊपर ना एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है। और मैं अभी गॉडजिला एक्स कॉन्ग का जो न्यू एम्पायर वाला ट्रेलर है उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा था, तभी डंकी का ड्रॉप 4 आ गया और मुझे मेरे दिल से वो प्रेशर निकालना था। सो ये क्विक वीडियो डाल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। देखिए, एक बात तो मैं बोलूंगा कि ये पहला ड्रॉप है जहां मुझे राजकुमार हिरानी की थोड़ी सी राइटिंग की जो एबिलिटी है, मतलब उनकी जो राइटिंग, इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग वो करते हैं, उसका एक झलक मुझे इस ड्रॉप में दिखा। एंड बाय फार दिस इज माय फेवरेट ड्रॉप। ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है बिशप पंजाबी का। और मैंने कल सलार वाले वीडियो में एक बात बोली थी कि सलार के ट्रेलर में ना जो म्यूजिक का जो इंटीग्रेशन है, मुझे बहुत रश रश और बहुत फोर्स जैसा मुझे लगा था। एंड इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी म्यूजिक और हाउ मेनी ट्रैक्स दे हैव यूज्ड, क्योंकि इस ड्रॉप में 3 मिनट के अंदर लगभग 10 म्यूजिक ट्रैक्स है अलग अलग, जिसमें से 2 फुल फ्लेजेड गाने हैं, बट फिर भी ये कहीं पे भी फोर्स्ड या कहीं पे भी आउट ऑफ प्लेस जैसा नहीं लगा। और जो 2 गाने में बोल रहा हूँ वो तो एक तो लुटपुट वाला गाना है और एक जो ये ट्रेन सीन में है ये वाला गाना। बट जैसा कि मैंने बोला कि एडिटिंग एंड स्क्रीन प्ले इतना सीमलेस है कि कहीं पे भी जारिंग जैसा आपको फील होगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस ड्रॉप में 10 गाने हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ हैविंग SRK इन टूडेज प्रोजेक्ट, मतलब आजकल की कोई भी मूवी में या फिर कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में SRK को रखने का जो फायदा है, जो चीज़ वो लेके आते हैं, बिकॉज बेसिकली ही इज़ अ मैजिशियन इन इंडियन सिनेमा एट दिस पॉइंट। क्योंकि उनके साथ जो फोर्स ऑफ VFX, जो रेड चिलीज का जो स्किल सेट आता है, दैट इज अनमैच्ड। मुझे मेरे रेड चिलीज के सूत्रों से पता चला कि इस मूवी में अब तक 800 से ज़्यादा VFX शॉट्स में काम हो चुका है। तो मूवी रिलीज होने तक आप मान लीजिए 1000 तो हो ही जाएंगे। एक राजकुमार हिरानी मूवी में 1000 VFX शॉट्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस टीजर ट्रेलर में कितने शॉट्स हो सकते हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एवेंजर एंड गेम जो मूवी थी उसमें 2600 VFX शॉट्स थे। एंड दैट मूवी टॉक्स अबाउट एलियंस, स्पेस एंड सुपर हीरोज, और ये एक ग्राउंडेड मूवी है, लेकिन यहाँ पे भी इतने सारे VFX शॉट्स है और इतना अच्छे से किया गया है कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे क्या है। क्योंकि इस पूरे ड्रॉप में बस 2 ही शॉट्स है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ओके, ये पानी के अंदर वाला शॉट यहाँ पे VFX हुआ है और ये ट्रेन वाले शॉट में क्रोमा हुआ है, वो देख के पता चलता है, बट कहीं भी और पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे VFX हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि SRK के बॉडी को मैनिपुलेट किया गया है टू शो डिफरेंट एजेस ऑफ हिज लाइफ, उनके लाइफ के अलग अलग टाइम को डिपिक्ट करने के लिए उनके बॉडी को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रेड चिलीज VFX के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप उस दिन सेट में नहीं हो, देन यू हैव नो आइडिया कि कहाँ कहाँ पे VFX हुआ है, दे आर दैट गुड। अब मैं जैसे ही SRK के बारे में बात करता हूँ तो लोग मुझे SRK हेटर बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, और जो लोग मेरी बातों को समझते हैं वो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इग्नोर करो। देखिए, मैं तो इग्नोर कर दूंगा, आप ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, बट इन अ वे मुझे ऐसा लगता है कि वी आर टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम SRK। जैसे कि मैंने बोला, ही इज द मैजिशियन एट दिस पॉइंट, और मैंने फेस रिप्लेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसे यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। मुझे लगा था कि SRK को थंबनेल में रखा है ऐसा, इसीलिए शायद हो सकता है। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली BBC न्यूज ने भी एक AI के ऊपर वीडियो डाला है, मतलब AI इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड गेस व्हाट, थंबनेल में किसका फेस यूज किया है, SRK। लव हिम हेट हिम बट ही इज द फेस ऑफ दिस टेक्निकल रेवोल्यूशन इन इंडियन सिनेमा, बिकॉज ही इज द मैजिशियन दैट इज क्रिएटिंग मैजिक इन इंडियन सिनेमा फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, एंड आई विश कि वो ऐसे ही मैजिक बनाते रहें फ्यूचर में भी। एंड वी लव यू SRK फॉर वट एवर यू हैव डन एंड वट एवर यू आर डूइंग। एंड बाय द वे, ड्रॉप 4 के इस शॉट में ना मुझे ये बंदा जॉन अब्राहम लगा था फॉर 1 सेकेंड। और आप भी बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो इस ड्रॉप के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, या फिर आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो। दिस इज शमीम, यू आर वॉचिंग किबाकिबी, एंड सी यू एट 7 o'clock विद द गॉडजिला वीडियो।